दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 9th January 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 7:30, रात के मतलब 7:30 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका के अंदर ही हूँ। और लास्ट ड्रॉप करके आया था, मतलब इधर ही वेगस मॉल पे छोड़ा था लास्ट ड्रॉप, और वहां से फिर मैं आ गया था खाली। अब जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज बहुत सारी बातें करनी है एक्चुअली। दिमाग मतलब अब ये लगा लीजिए कि खराब भी हो रहा है और टेंशन में भी आ चुके हैं, और काफी ड्राइवर भाई आ चुके हैं टेंशन में। और किस बात की टेंशन है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। टेंशन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मॉर्निंग में आज कितने बजे निकला। मॉर्निंग में दोस्तों मैंने ली हुई थी रिजर्वेशन की बुकिंग, तो आपकी एक तो 6 बजे की ली हुई थी, पौने 6 बजे की, और इसी के बाद नांगल तक का ड्रॉप था सेक्टर 13 से। उसके बाद फिर मेरे पास वहां से मैंने ले ली थी किरवी प्लेस की। दो बुकिंग रिजर्वेशन में ली थी, बट समझ में नहीं आ रहा रिजर्वेशन में ये कर क्या रहा है। रिजर्वेशन की बुकिंग में एक तो 1 घंटा पहले से हम लोगों को खराब कर देता है ये, ठीक है। उससे पहले आपको राइड देना बंद कर देगा। उसमें क्या है कि जो इसका पिकअप टाइम है राइडर का, ठीक है, हम लेट हो जाएं तो उबर हमारी राइड कैंसिल करके शिफ्ट कर देता है। पर राइडर लेट हो जाता है तब तो कुछ नहीं करता, ना उसका वेटिंग चार्ज ऐड होता ना कुछ होता, सिर्फ हमें जो रेट दिखाते हैं वही दिया जाता है। तो आज हुआ ये कि वही मतलब मैं अपना मार्जिन लेके चलता हूँ, 10 मिनट पहले पहुंचाता हूँ, बट 10 मिनट पहले मतलब घर से 10 मिनट का रास्ता है सेक्टर 13, ठीक है। और वैसी जैसी निकलने लगा वैसी मैसेज आ गया, लेट हो रहे हो आप। तो मैं मतलब फिर मैंने क्या किया, मैं निकला ही नहीं आज घर से। मैं निकला इसलिए नहीं क्योंकि 2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, मैंने गाड़ी पे फोन रखा था, वैसे ही इसने बुकिंग किसी और भाई को दे दी थी। तो मैं आज निकला ही नहीं घर से, मैंने इसको भी मतलब जाने दी। मैंने कहा कोई बात नहीं अब ये जाए। अब क्या हो गया कि बुकिंग हटा नहीं रहा दोस्तों। आप मतलब सोचने वाली बात है, परसों जब निकल रहा था तब बुकिंग हटा दी थी, ठीक है। अब जब लेट हो रहा है 5 मिनट भी बज गए तब भी नहीं हटाई, तो फिर मैंने खुद ही कैंसिल करी उस राइड को। तो उस राइड को कैंसिल करी, फिर उसके बाद मैं CNG डलवाने गया, फिर जो रिजर्वेशन में एक और थी बुकिंग बिल्कुल नहीं दे रहा था, फिर उसको भी कैंसिल करी। तो दोनों बुकिंग सुबह की कैंसिल कर दी। कैंसिल करके आज नॉर्मल ही गाड़ी चलाई है दोस्तों। और निकला था मतलब देखिए, उठ गया था 5:15 बजे, निकल गया था अपने घर से 6 बजे की जो राइड थी वो कैंसिल करके निकल गया था, क्योंकि मुझे डाउट था मैं निकलूंगा टाइम खराब होगा। अगर मैं उसकी राइड को मतलब जब जैसी मैसेज आया मैं नाश्ता ही कर रहा था, मैंने कहा मैं नाश्ता छोड़ देता, बट जब देखा मैंने परसों भी इसने वही सीन किया, मैंने कहा आधे रास्ते में फिर इसने कर दिया घर से खाली पेट निकलो, तो छोड़ो यार अपना नाश्ता पानी करके एक बार निकल लेंगे, CNG भी डलवा लेंगे। मैं इतनी देर में CNG डलवाने चला गया, CNG डलवा के दोबारा से काम स्टार्ट किया। तो कितना काम किया है वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों। और आज हम बात करेंगे, देखिए आप सोच ही रहे होंगे महेश्वर आज क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों सभी भाइयों को पता चल चुका है, वैसे जिन भी भाई को नहीं पता चला वो सबके व्हाट्सएप ग्रुप में आ ही चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उबर के बारे में। अब उबर ने प्लानिंग कर ली है कि अब जितना भी मार्केट का मतलब जिस हिसाब से देखिए मार्केट में कंपटीशन चल रहा है और रेट डाउन पे डाउन हो रहे हैं, ऐसे उसमें अब उबर भी पीछे नहीं रह पा रहा, ठीक है। वैसे भी उसने रडार ऑप्शन लाके इतना मतलब ड्राइवरों में वो कर दिया है कि मतलब बुकिंग्स लेना बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात है। पहले ये क्या होता था कि ट्रिप आती थी तो उसमें ये लगता था कि भाई चल जिसका नेट स्ट्रांग चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है, उसके बाद वो बुकिंग कंपलसरी रहेगी रहेगी, ठीक है। अब तो ऐसी हाल है कि रडार में आती है, क्लिक करते हैं तो नहीं आती। नॉर्मल में रडार और नॉर्मल दोनों एक साथ ही देता है, जिससे बुकिंग किसी एक ड्राइवर पर जाए। इसमें आपको कोई प्रोफाइल चेक नहीं करता कि भाई प्रोफाइल उस बंदे की राइड कितनी है, वो मेहनत कितनी कर रहा है, मतलब इसमें आपका सभी एक ही कैटेगरी में दोस्तों, अच्छे भी बुरे भी। बुरे तो खैर किसी को नहीं, सभी ड्राइवर भाई अच्छे ही हैं, बट देखिए जब कंपनी करती है तो फिर उसके साथ साथ वो भी उनके साथ करते हैं। जब गलत कंपनी करेगी तो उसका ड्राइवर भी फिर उसके मन में भी आता है भाई गलत करने का।
तो इसीलिए दोस्तों जो इसने प्रोफाइल का सिस्टम बना रखा है वो गलत है, ठीक है। ऐसे तो फिर सभी ड्राइवर को नॉर्मल में ही रखो भाई, इतना डायमंड गोल्ड ये सब चीजें क्यों देते हो। ये सब ये लगा लीजिए कि कैटेगरी बना के हम सोचते हैं हमारे पास अच्छी बुकिंग आएगी, बट आप ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडार से जब से सिस्टम आया तब से इसने मार्केट में मतलब ये लगा लीजिए काफी ड्राइवर भाई मेरे हिसाब से परेशान है। तो अपना कमेंट जरूर रखना दोस्तों, आप कैसा फील करते हैं रेडार आने से। अब नया ऑप्शन एक और आने वाला है, क्या आने वाला है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हो इन ड्राइव ने पूरा रेटो की कर रखी है बिल्कुल ही खराब, जो हमें ऑटो से भी कम रेट मिल रहे हैं इन ड्राइव की वजह से, और वही रेट आप खराब करने मतलब एक कहते हैं ना रायता फैलाने वाली बात हो जाती, तो वही चीज अब करने वाला है उबर। और अभी सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, क्या आ चुका है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उबर लॉन्च करने वाला है उबर फ्लैक्स के नाम से, मतलब जैसे इन ड्राइव का सॉफ्टवेयर है वही चीज उबर लॉन्च करेगा और उन सिटीज में करेगा जहां पर इन ड्राइव ज्यादा सक्रिय है, जैसे कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में सक्रिय है, सबसे अच्छा काम उसका चंडीगढ़ में है। दिल्ली में एनसीआर में आ चुका है, एनसीआर में आप गुड़गांव साइड ले लीजिए, नोएडा साइड ले लीजिए, और दिल्ली में भी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो इस उसमें अब उबर ने सोचा है कि भाई ये कंपटीटर को उसी के उससे मात देनी है। तो देखिए आप इनके कंपटीशन में होगा क्या, होगा हम लोगों का नुकसान, हम लोगों का इसलिए होगा क्योंकि ये सारे राइट्स जैसे इन ड्राइव में कस्टमर को राइट्स दिए हुए हैं कि रेट वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगा, वही चीज अब उबर कस्टमर को देने वाला है उनके हाथों में कि भैया अब आपको रेट डिसाइड करना है, आपके ऊपर ऑप्शन है, जो भी ड्राइवर भाई उस राइड को मतलब आप अपना रेट दीजिए ड्राइवर अपना देगा तो उसको एक्सेप्ट करोगे। तो वही सेम टू सेम इन ड्राइव वाला सिस्टम दोस्तों अब उबर ने सोच लिया दिमाग में, और इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा ड्राइवर भाइयों का बहुत ज्यादा नुकसान, और नुकसान ये होगा कि एक एक राइड्स के लिए हमें दिक्कत आने वाली है। मतलब ये समझ लीजिए अगर ये चीज लॉन्च हो गई तो मेरे हिसाब से तो इसमें ड्राइवर का कोई फायदा नहीं हो रहा, कबाड़ा हो जाएगा रेट। तो दोस्तों अब आने वाले टाइम में देखने को हमें यही मिलेगा क्योंकि उबर की तरफ से ये मतलब अभी हाँ दिल्ली में तो अभी लागू नहीं हुआ, बट ये कुछ टाइम में धीरे धीरे जब अपडेट आ चुका है इस तरीके से, मतलब न्यूज वगैरह में चल रहा है, गूगल में आप सर्च करेंगे वहां पर भी इसके उबर के वो आ रहे हैं, तो अब उबर इन ड्राइव को कंपटीशन देना चाह रहा है पूरी तरीके से मुकाबले में। तो इस उसमें नुकसान हम लोगों का ही होने वाला है, होने वाला इसीलिए है क्योंकि आपने देखा ही इन ड्राइव जब आई थी तब इन ड्राइव भी इस तरीके से शुरू में तो रेट अच्छे थे बट उसके बाद रेट इतने खराब कर दिए। अब ऑटो से भी कम रेट पे हमारी गाड़ियां बुक होती है, इन ड्राइव तो ये लगा लीजिए बहुत ही कम, मैं तो चलाता हूं तो ये लगा लो एक आध राइड ले ली वो भी अच्छे रेटों की तभी ली है, अदरवाइज मैं उबर ही चलाता हूं। तो अभी दोस्तों परेशानी यही हो रही है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मतलब ऐसे तो रेटों का बहुत ही ज्यादा भंटादार हो जाएगा और हर ड्राइवर भाई एक एक राइड के लिए फिर भटकना पड़ेगा। मतलब वही है कस्टमर के हाथ में है, कस्टमर को आप सब सारे राइड्स दे दोगे तो फिर ड्राइवर भाई कहाँ जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और मैं तो यही कहूंगा जो भी हमारे जो दिल्ली के यूनियन वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए, अगर ये सिस्टम लागू हो गया तो बहुत भाइयों के रोजगार के ऊपर बात आ जाएगी, और जो जितना हम डेली का अभी अर्निंग कर रहे हैं ना उसमें भी ये लगा लीजिए होने वाली है बहुत सारी दिक्कत है, और अर्निंग के लिए मतलब जितना हम अभी कर रहे हैं उसकी आधी कमाई देखने को हमें मिलेगी। तो ये दोस्तों अपडेट था, और आज मतलब मैं जल्दी भी आ गया, एकदम मूड ये लगा लीजिए खराब ही हो गया है, और सोचने में यही लग रहे हैं कि 7-8 साल दे दिए इस लाइन में और अब पता नहीं इस लाइन में आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों कोई नहीं, देखते हैं आगे, सभी का अच्छा हो दोस्तों। बट देखिए एक चीज यही बोलूंगा कि ड्राइवर शक्ति ड्राइवर चालक की शक्ति बहुत होती है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ करवा सकते हैं रुकवा सकते हैं, बट एकता होनी चाहिए, बिना एकता के हम कुछ नहीं कर सकते, और ये एकता हमें कौन लेकर आएगा, हमारे जो एसोसिएशन के हैं लीडर्स हैं हमारे
वही हमारे साथ खड़े होंगे, तभी हम इनसे लड़ाई कर सकते हैं कि भाई ये जो सिस्टम लाने की सोच रहे हो ये सरासर गलत है, इससे फायदा कुछ नहीं होना, मार्केट खराब होनी है, रेटों की बहुत ज्यादा गंदगी मच जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप अपनी राय जरूर देना कमेंट्स करके। भाई मुझे तो ये जब मैंने सुना था तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था और आगे की सोचने लग गया था, भाई ये अब आगे इस लाइन में काम रहे मतलब करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा या क्विट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ, अपने कमेंट जरूर रखिएगा दोस्तों ये सही कर रहा है ऊपर या गलत कर रहा है। तो आज का मैं काम आपको दिखा देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900 रुपए का मेरा आज का काम है दोस्तों। और इसमें मेरे को दो टोल मिले हैं, एक यूपी का 120 रुपए का मिला है और एक 100 रुपए का एमसीडी मिला है। तो 1900 रुपए प्लस 200 रुपए का टोल, 2100 रुपए का काम है मेरा। और सुबह निकला था तकरीबन 6 बजे निकल गया था मैं, मतलब 5:50 से घर से निकल गया था और अभी टाइम हो रहा है मतलब वही 7:45, 8:15 बज चुके हैं। तो आप सोच लीजिए कितना 12-13 घंटे देने ही पड़ते हैं रोड पे और इतना काम निकल के आ रहा है अब। तो इसमें दोस्तों सीएनजी बताया था 200 रुपए को साइड करते हैं, सीएनजी मैं डलवाई थी सुबह सुबह तकरीबन मैंने डलवाई थी 362 रुपए की। उसके बाद मैंने दिन में फिर डलवाई थी सीएनजी और फिर डलवाई थी मैंने तकरीबन 342 ऐसी कुछ रुपए की डलवाई थी। मतलब टोटल सीएनजी मेरी आ गई है 600-700 रुपए की सीएनजी आ गई है, ऑलरेडी उसमें 300 तक की पड़ी थी। तो 1000 तक की सीएनजी थी, 1000 तक की सीएनजी में जो खर्च हुई है मेरी तकरीबन आप मान के चलिए 600 रुपए तक की सीएनजी लग गई है आज। तो कभी 500 कभी 600, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके मतलब रूट पे ट्रैफिक पे। तो 1900 का काम है, 600 रुपए निकाल लेंगे, बचेंगे कितने 1300 रुपए, 1300 रुपए में से 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे 300 रुपए की, और 1300 में से 300 निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने 1000 रुपए। तो दोस्तों आज की नेट इनकम है 1000 रुपए की, इसमें से अगर आपकी गाड़ी की ईएमआई भी है तो वो भी निकालनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कितना काम होता है, इसलिए तभी मैं बोल रहा हूँ अभी इस टाइम तो 17 घंटे देने पड़ रहे हैं। अब अगर उबर ने ऐसा सॉफ्टवेयर ला दिया, ये सब चीजें ला दी, तो पता नहीं कितना टाइम देना पड़े। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी, जानकारी तो देखे अच्छी भी देता हूँ, जो अपडेट आता है बेकार सा वो भी देता हूँ, पर क्या करें दोस्तों यही जीवन है, जो भी अपडेट आता है आपको वैसे भी पता लगना है और बहुत भाइयों को पता लग चुका है। तो आने वाला इन फ्यूचर क्या होगा, और दोस्तों यही है कि ड्राइवरों को जागना होगा दोबारा से, और जब तक नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपने देखा 3-4 दिन मतलब लास्ट वीक में ट्रक ड्राइवरों ने अपनी जो गलत हो रहा था उनके साथ उन्होंने विरोध किया, तो वो चीज रुकी। और हमारे साथ भी अगर गलत हो रहा है तो हमें भी उसका विरोध करना चाहिए, तभी जाके ये कंपनियां अपनी मनमर्जी जो कर रही हैं वो करना बंद करेंगी और एक अच्छा सा रेट हमें देना स्टार्ट करेंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर जरूर करना वीडियो को, जितना आप शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं वो लोगों ने एक्चुअल में कितना काम है कैसा काम है। और अब तो मैं यही बोलूंगा कि भैया बिल्कुल भी मत आओ, वैसे भी मैं मना ही करता हूँ ड्राइवरों को, बट रेट खराब हो चुके हैं बहुत ज्यादा, आने वाले टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं है अब इस लाइन में बिल्कुल भी मत देखो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट इनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।